हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ दिव्या और आज एक बार फिर से आपके लिए लाई हूं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जो पहुंचे जनता टीवी में। समझ आई? नहीं तो मैं आपको बता ही देती हूं कि एक पंजाबी धमाकेदार गाना लॉन्च हुआ और उस गाने को लॉन्च करने के लिए उसके सिंगर के साथ साथ पूरी टीम पहुंची जनता टीवी के स्टूडियो और हमसे की कुछ खास बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं क्या है वो। और जनता टीवी के स्पेशल सेगमेंट में मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत कुछ खास। बहुत कुछ इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार गेस्ट मौजूद हैं। तो आइए एक एक करके आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ है शोभा गिरधर जी, सिंगर हैं, पब चक दे बहुत ही शानदार गाना इन्होंने गाया है। वेलकम शोभा जी आपका। थैंक यू सो मच। और साथ ही इनके साथ है AMC अमन जो कि म्यूजिक कंपोजर है, ये गाना इन्होंने कंपोज किया है। स्वागत है अमन जी आपका भी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और साथ ही साथ वरुण कश्यप जो कि सिंगर है इस गाने में, वो भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है वरुण आपका। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स। और रैपर इस सॉन्ग की जान रोमी जी भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है रोमी जी आपका। और आप तीनों से, आप चारों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे सेगमेंट की शुरुआत आपके इस धमाकेदार गाने से करें। तो मैं चाहूंगी अगर आप हमें दो शब्द अपने गाने के सुना सके तो। लक दे हुलारे मुंडे मांझते कंवारे कईयां दी तां जान कढ लै गई शॉट उत्ते शॉट खिंची जावे चक चक तक देने मुंडे दिल उत्ते हथ रख उत्ते हथ रख आए हाय कलबा विच नचे पब चक आए हाय कलबा विच नचे पब चक मेरा ना कसूर मेरी उम्र सतारा जो नशे विच दिस इज समथिंग अमेजिंग। मतलब ये गाना वैसे मैंने आपके रिव्यूज पढ़े हैं सॉन्ग के, अमेजिंग है। और जब से आपने ये गाना रिलीज किया है तब से पंजाब में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया धमाल कर चुके हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगी, शोभा सबसे पहले आपसे बात करते हैं, लेडीज ऑलवेज फर्स्ट होता है तो आपसे ही बात करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाने के साथ आपका? वेल, दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि तेरी आवाज़ जो है बहुत करारी है, तो मैं इसीलिए मोटिवेट होकर एक और सॉन्ग भी बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। AMC अमन, इस नाम के पीछे क्या रीजन है? बहुत यूनिक नाम है ये। AMC भी इट्स माय फुल नेम अमन छिब्बर, तो उसको मैंने थोड़ा आर्टिस्टिक आजकल सब कर रहे हैं जैसे हर एक के आप देख ही रहे हो, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी क्यों ना AMC शॉर्ट कर दें, थोड़ा इट साउंड्स गुड और थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है आजकल के हिसाब से। AMC वेरी नाइस। वरुण आपका शोभा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीइंग अ सिंगर शोभा इज अ वेरी टैलेंटेड सिंगर शी वॉज, और जैसे इन्होंने परफॉर्म किया है, जैसे इन्होंने गाया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हर कि इन्होंने इतना अच्छा गाया है। बीइंग अ एंकर इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा इन्होंने संग भी किया है, बहुत अच्छा इन्होंने गाया है। वरुण आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने इनके साथ शोभा के साथ गाना गाया और अब आगे भी कोई प्लान है शोभा के साथ आगे कुछ कंटिन्यू करने बिल्कुल, का? बिल्कुल प्लान्स रहेंगे हमारे, आगे भी प्लान्स रहेंगे कि हम आगे भी ऐसे ही कुछ एक नया ट्रेंड में लेके आए, अच्छा सॉन्ग एक मार्केट में लेके आए। जी रोमी जी जो कि रैपर है इस गाने के, तो आपसे भी हम जरा दो लाइनें जरूर सुनना चाहेंगे, हमारी लालच कभी खत्म नहीं होती है। आपका रैप सुनाइए। दारू दा तेन शौक कुड़े शुट खिची जावे रोक कुड़े हुन पीण दा तेनू चा चढ़िया क्लब करता बाहरो लोक कुड़े दारू 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 दा तेन शौक कुड़े शुट खिची जावे रोक कुड़े हुन पीण दा तेनू चा चढ़िया क्लब करता बाहरो लोक कुड़े तेन वांदा क्यों नी जे कुड़े सब वेख वेख कश्मीर कुड़े मेरा दो पैग विच ही सर जावे तेन दारू दा के। वाओ अच्छा ये जो गाने के लिरिक्स रहते हैं बड़े यूनिक होते हैं, क्या ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं? मैं अमन आपसे जानना चाहूंगी इसका जवाब।
ये एक्चुअली इस गाने के राइटर हैं हमारे जस्सी जस, वो हमारे साथ आज अभी है मौजूद नहीं है पर ही इज वेरी गुड राइटर, पंजाबी राइटर हैं तो वो भी हमारी टीम का हिस्सा है मतलब एंड पहले उन्होंने कुछ वर्ड लिखे मेरे को दिखाए तो मैंने फिर उस पर अपनी धुन कंपोज करी कि कैसे इसको होना चाहिए तो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ आए हाय कलब्बा विच नचे पब चक थोड़ा इसको थोड़ा कैची बनाया जाए ताकि लोगों के बच्चे बच्चे के जुबान पे आ जाए तो इसने थोड़ा फिर टाइम लगा थोड़ा कंपोज करने में टाइम लगा पर हो गया। लेकिन अमन आपके पास कंपटीशन घर में ही बहुत ज्यादा है तो क्या आप लोग ये कंपटीशन घर में रखते हैं कि मैं हिट सॉन्ग दूंगा? नहीं, तू देगी हिट सॉन्ग। गाइस मैं आपको बता दूं इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, निधि कोहली जी, तो आप सब जानते हैं आवाज पंजाब की विनर रह चुकी है एंड सारे गांव पर टॉप 10 में भी थी। नहीं ऐसा कोई कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है, मेरे सारे गाने बेस्ट होते हैं मतलब मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरे हर गाने बेस्ट हो। ये उनके लिए थोड़ा दिल से डाल नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारे लिए दिमाग से क्यों अगर सैड सॉन्ग हुआ फिर तो फिर वो बात अलग है ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं इस गाने में अमन ने बहुत ही हेल्प करा है, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन दिया है, आप लोगों को ऑलरेडी ये म्यूजिक बहुत पसंद आ भी रहा होगा और सॉन्ग भी बहुत अच्छा आज की डेट में चल रहा है। इस सॉन्ग को बनाने में निधि ने भी बहुत हेल्प करी है, इवन निधि ने बहुत हेल्प किया है। तो कितना मस्ती मजा हुआ आपके जब भी ये शूट चल रहा था? मस्ती बहुत हुआ था, बहुत हुई थी, सॉरी। मुझे अमन ने बोला, मैं एक चीज बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मुझे अमन ने बोला जब मेरी डबिंग हो रही थी तो अमन ने बोला कि यहाँ पे लाइट बंद कर देते तू अपने आप अकेले, जैसे तुझे लगना चाहिए कि तू अकेले है और गा रही है बस। मैंने कहा शोभा इट्स अ क्लब सॉन्ग तो लगना चाहिए कि तू क्लब में हो, तो लाइट डिम कर दी पूरी एंड ये मतलब इसको लगा मैं क्लब में, कि मैं क्लब में हूं। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे तो, मतलब अमन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा इस, मतलब बड़ा मस्त है। आप लोगों ने अमेजिंग सॉन्ग बनाया है स्पेशली उनके लिए जिनको डांस करना पसंद है, जिनको पार्टी करना पसंद है। वैसे आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं आजकल के यंगस्टर्स को कि उनको आपका गाना क्यों देखना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सोचो मत कर दो, तो अगर कुछ करना है लाइफ में तो आपको आगे आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे सभी यंगस्टर को कहना चाहती हूँ कुछ करना है तो करो, क्योंकि आप एक दूसरे को देख के मोटिवेशन ले सकते हो कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। That was amazing और मुझे आप लोगों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच गाइज कि आप अपना कीमती समय निकाल कर जनता टीवी पर आए हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू आप सभी, हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, बेहद शुक्रिया आप सभी का।